टूट गया संजू के सब्र का बांध। वनडे टीम से बाहर किए जाने पर संजू सैमसन का छलका दर्द दे दिया चौंकाने वाला बयान। मुश्किल में फंस सकते हैं रोहित शर्मा। आखिर क्यों दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाले गए संजू सैमसन, हो गया बहुत बड़ा खुलासा। गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं संजू बाबा, संजू फैंस का फूटा गुस्सा। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने ही क्या उखाड़ लिया। रोते हुए संजू सैमसन ने बीसीसीआई के ऊपर लगाया पक्षपात करने का आरोप। संजू के खिलाफ खेला जा रहा गंदा खेल। अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 3 T20 मैचों की सीरीज में संजू सैमसन जब लगातार 2 T20 मैचों में अंडा देने का काम किए थे, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान भर में संजू सैमसन के चाहने वाले ही संजू सैमसन को खूब गालियां देते हुए नजर आ रहे थे। उस समय संजू सैमसन के दुश्मन भी संजू सैमसन को खूब भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के कई सारे पूर्व क्रिकेटर तो संजू सैमसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लायक भी नहीं बता रहे थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि संजू सैमसन को हमेशा के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड से बाहर कर देनी चाहिए। संजू सैमसन को जब जब टीम इंडिया के स्क्वाड में खेलने का मौका दिया जाता है, संजू सैमसन अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं। मगर संजू सैमसन के चाहने वाले लाखों लोग अक्सर सोशल मीडिया पर संजू के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। मगर श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऋषभ पंत और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर अब यही संजू सैमसन कैमरे के सामने आकर बीसीसीआई के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। संजू सैमसन का कहना है कि वनडे सीरीज में ऋषभ पंत ने ही क्या उखाड़ लिया। ऋषभ पंत को आखिरी ओवर करो या मरो वाले मैच में खेलने के लिए मौका दिया गया था, मगर ऋषभ पंत तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे वह पहली बार बल्ला अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो वहीं पर केएल राहुल भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, मगर इन दोनों बल्लेबाजों को आज पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल रहा है। अभी हाल ही में संजू सैमसन ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसको सुनने के बाद बीसीसीआई वालों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। अब हर किसी का यही कहना है कि टीम इंडिया के स्क्वाड में संजू सैमसन राजनीति का शिकार हो गए हैं। संजू सैमसन के साथ पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। संजू सैमसन के फैंस का तो यहां तक कहना है कि संजू सैमसन का परफॉर्मेंस वनडे के फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा है, मगर संजू सैमसन के करियर को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। यही संजू सैमसन है जो साउथ अफ्रीका की धरती पर आखिरी ओवर करो या मरो वाले मुकाबले में, जिस मुकाबले को अगर हिंदुस्तान हार जाती तो हिंदुस्तान के हाथ से सीरीज भी चली जाती, मगर उस करो या मरो वाले मुकाबले में सबसे मुश्किल पिच पर संजू सैमसन क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए थे और अकेले दम पर टीम इंडिया को वह मैच जिताने का काम करते हैं। उस महा मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार तूफानी शतक भी जड़े थे, मगर उस शतक के बाद भी संजू सैमसन की वनडे के फॉर्मेट में वापसी नहीं कराई जा रही है। बीसीसीआई के कुछ अधिकारी मिलकर पर्दे के पीछे से संजू सैमसन के खिलाफ कोई ना कोई साजिश बुनते रहते हैं और उस साजिश का शिकार संजू बाबा को होना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई वनडे फॉर्मेट का टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो संजू सैमसन को उस दौरान T20 की टीम में जगह दिया जाता है, मगर जब कोई T20 वर्ल्ड कप आता है तो उस समय संजू सैमसन को वनडे फॉर्मेट में खिलाया जाता है। मतलब बीसीसीआई का यही साजिश होती है कि संजू सैमसन को किसी भी तरह से टीम इंडिया की स्क्वाड से पूरी तरह से बाहर किया जाए। आप लोगों ने तो देखा ही होगा T20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन को T20 के फॉर्मेट में मौके नहीं दिए जा रहे थे, मगर संजू सैमसन को सिर्फ वनडे के फॉर्मेट में खिलाया जा रहा था। इसी तरह से आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि वनडे वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन को सिर्फ T20 के फॉर्मेट में टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह दिया जा रहा था, मगर संजू सैमसन को वनडे के फॉर्मेट में नहीं खिलाया जा रहा है। अब अगले साल 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाना है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संजू सैमसन को वनडे के फॉर्मेट में जगह नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद संजू सैमसन को T20 के फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। मतलब बीसीसीआई का साफ इरादा है कि संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट में टीम इंडिया की स्क्वाड में वह सिलेक्शन नहीं करेंगे। एक न्यूज चैनल वाले ने संजू सैमसन से जब पूछा कि आपने साउथ अफ्रीका में शतक बनाया लेकिन आपको वनडे टीम से बाहर कर दिया गया, वनडे वर्ल्ड कप के साल में आप T20 खेल रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप के साल में आप वनडे मैच खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस बारे में काफी चर्चा है, चयन पर आपके क्या विचार हैं? इस पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टीम के प्रदर्शन
प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और अपनी भूमिका के बारे में किसी भी चिंता को खारिज कर दिया। उन्होंने टीम मैनेजमेंट द्वारा बुलाए जाने पर योगदान देने की अपनी इच्छा पर जोर दिया। संजू सैमसन ने आगे कहा, जब वे मुझे खेलने के लिए बुलाते हैं तो मैं जाकर खेलता हूँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है इसलिए कोई समस्या नहीं है। मैं पॉजिटिव रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने अभ्यास और कड़ी मेहनत में अधिकतम प्रयास करता हूँ जिससे मेरा खेल बेहतर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर आगे बढ़े, इसलिए मैं अपने खेल को बेहतर बनाने और अपने नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। संजू सैमसन के इस बयान से संजू सैमसन के अंदर कोई भी घमंड नज़र नहीं आता है, मगर बीसीसीआई वाले जानबूझकर संजू सैमसन के खिलाफ गंदी साजिश रचते रहते हैं।